हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को चंडीगढ़ में सरकारी 100 स्कूली विद्यार्थियों को पर्वतारोहण को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया और इस पर्वतारोहण कार्यक्रम में 22 दिव्यांग बच्चों ने भी हिस्सा लिया है, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में बच्चों से वो रूबरू हुए और बच्चों से उनके अनुभव और दिक्कतें भी उन्होंने जानी है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए कई बड़े फैसले ले रही है ताकि प्रदेश के युवा तरक्की की राह पर आगे बढ़े और अपने सपनों के साकार करते हुए हरियाणा प्रदेश का भी नाम रोशन करे। वहीं हरियाणा सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनूठी योजना चलाई है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों पर्वतारोहण को हरी झंडी दिखाकर रवाना की, जिसमें 22 दिव्यांग बच्चों ने भी हिस्सा लिया। दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक चोटी पर चढ़ाई करता है तो उसे 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। सीएम ने कहा कि सभी पर्वतारोही लक्ष्य साध कर आगे बढ़े। पर्वतारोहियों को हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता दी जा रही है। हम ये माउंटेनिंग तो ही है, लेकिन इसके अलावा भी अपने प्रदेश में जो जो हमें स्थान मिलेंगे उनके ऊपर हम करेंगे। हमने उसके लिए डॉक्टर मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब बनाया है, उस क्लब से माध्यम से इन गतियों को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो आर्थिक सहायता हमने तय की है वो भी शायद देश भर में सबसे बड़ी है। जो माउंट तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार, ये भी माउंटेनिंग वालों को मिलता है, इसके लिए हमने 20,000 रुपया महीना एक उनको अनुदान राशि हर महीने मिलती है 20,000 रुपया। और जो 10 हाईएस्ट टॉप चोटियों पर चढ़ के आते हैं उनको जिस मिलता है उसको हम 5 लाख रुपए भी देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार पर्वतारोही दल में 100 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, इनमें 22 दिव्यांग। उन्होंने पर्वतारोहण जाने वाले विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुए उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने पर्वतारोही दल के सामने कोई कठिनाई आने पर उसे हिम्मत से पार करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो आप धाकड़ बन जाएंगे। हरियाणा में शरीर बुद्धि और बल से आगे बढ़ने वाले को धाकड़ कहा जाता है। इस पर विद्यार्थियों ने खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री ने कैथल के संजलि, गुरुग्राम के मंजू, सोनीपत के जयदीप और श्रवण और वाणी बाधित मुस्कान और गौरव से सीधी बातचीत और अपने शैक्षिक कोष से एडवेंचर क्लब को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। करा लिया ना? हाँ, जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से फिर आधे रास्ते से दौड़ना पड़े। नहीं सर, करवा लिया सर। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, बैठो। गुड़गांव जिले से मंजू हमारे साथ हैं। मंजू से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बातचीत करना चाहेंगे। मंजू, वहाँ जाने के बाद क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं आपको मालूम है? यस सर। क्या सर? वहाँ पे सांस लेने की दिक्कत होगी और चढ़ाई पे जाके हमें सिर दर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, काफी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार की ऊंचाई स्थान पर हम तो जा रहे हैं मार्ग से, सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से जाने में सुविधा रहती है या अगर मानो हवाई जहाज मिल जाए और हवाई जहाज यहाँ से उठाए और हमको वहां जाके उतार दे, उस समय सुविधा होती है, बताइए। सर, सुविधा तो हवाई जहाज से होती है, बट हाँ ठीक बोल रहे, बोलो सर। एक एडवेंचर होता है, एक मतलब जिज्ञासा होती है कि हम खुद चल के जाएं, चोटी तक चढ़ें। तो जहाज से जाने में मजा नहीं आएगा, खुद जाने में मजा आएगा। चलिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि 13 दिन के पर्वतारोहण कार्यक्रम स्कूल एजुकेशन एकेडमिक सेल की ओर से 40 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। स्कूली विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिए। सुपर 100 कार्यक्रम की बेहतर सफलता के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम को सुपर 500 कर 4 और स्थानों से शुरू कर दिया है। इसके अलावा 10 से 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का कार्य किया है ताकि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नवीनतम तकनीकी में पीछे न रहे। उन्होंने कहा कि रोमांचक गतिविधियां विद्यार्थी जीवन का हिस्सा बनने से उनका व्यक्तित्व निखरता है। इस पर्वतारोहण दल में जाने वाले 6,111 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल के भरतपुर युनाम पर्वत की चढ़ाई करेंगे और सफलता प्राप्त की। तो केवल इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, अभी सुपर 100 में भी जो काम करके दिखाया,
तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ सुपर 100 था उसको सुपर 500 कर दिया, और उसमें वो जो दो जगह पे था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार जगह पे उसको शुरू कर दिया। टैब की बात थी तो पूरे देश में जहाँ मोबाइल देने का काम किया गया या और दूसरे दिए गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी टैब की व्यवस्था की। और फिर उसमें कोई ये नहीं किया कि किसको दिया जाएगा, उसमें सारा किया कि 10वीं से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को दिया जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं भी हमारे बच्चे पीछे न जाएं। हो सकता है कि अभिभावक के पास इतनी सामर्थ्य ना हो या थोड़ी सी कम हो, और जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनके पास है, तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं भी उसमें पीछे ना रहें। तो उसके लिए सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा पूरा प्रयास ही रहता है, और मैं समझता हूँ कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। आप हमारा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, जो काम हमने आपको सौंप दिया तो आप उसको उससे ज़्यादा बढ़िया करके हमें दिखाते हैं, ताकि अगली बार हमारा हौसला बढ़ता है कि हम और भी अच्छा काम करके दिखाएं। 6111 मीटर की ऊंचाई पे आप जो न्यूम पर्वत है उस पे आपने आप ट्रैकिंग करेंगे, चढ़ेंगे और वहाँ झंडा लहरा के आएंगे, और आने वाले टाइम में और बड़े टारगेट आप निश्चित तौर से रखेंगे। इसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो माउंट एवरेस्ट पे भी फतेह करेंगे, तो आपका एक अनुभव होगा है अभी तो आने वाले टाइम में आप निश्चित तौर से हरियाणा का भी और देश का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर एडवेंचर क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा SC चौधरी और निदेशक मौलिक स्कूल शिक्षा डॉक्टर अंशद सिंह ने भी अपने विचार रखे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से कविता सैनी की रिपोर्ट।